सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है। आप कलेक्शन में क्या कलेक्ट करते हो? इंडियन करेंसी और कॉइन्स। ब्रिटिश इंडियन, रिपब्लिक ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, स्टेट कॉइन, मुगल कॉइन, मराठा कॉइन, ये सभी कॉइन में कलेक्ट करता हूँ। मतलब ये आप कभी से, मतलब किस कभी से? मैं करीब 30 साल हो गया मुझे, 30-32 साल ये कलेक्शन करते हुए। ओके, मतलब इसको, इसका आइडिया कहाँ से आया, मतलब आप ये कलेक्ट? इसका आइडिया मुझे मेरे मैरिज के बाद मेरी वाइफ कुछ कॉइन्स अलग अलग डिजाइन की लेके आई थी साथ में, वहाँ से मेरे को ये चीज़ का शौक लगा और मैंने मेरा कलेक्शन शुरू किया। आज जिस शिखर पे मैं पहुँच गया हूँ, मेरा कलेक्शन जिस ढंग से मैंने बनाया है, मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था कि आज मैं इतने लोगों के बीच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। मतलब ये सोर्स आपने कहाँ से सोर्स? फिर मैं घूमता था बाजार में, पुराने नोट सिक्के वाले जो फटे पुराने नोट लेते हैं उनके पास घूमना, प्लस यार दोस्तों को पूछना, रिश्तेदारों को पूछना कि कोई बंद करेंसी आपके पास पड़ी है तो मुझे दे दीजिए, आपको मैं पैसा देता हूँ। मेरे को वो करेंसी नोट सिक्के ऐसे ही लोगों से मिले जिसका मुझे पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे और रीजनेबल में मेरा कलेक्शन आज बहुत अच्छे कंडीशन पे पहुँच गया है। और सर, ये आपके कॉइन रेयर होते हैं, उनका प्राइस आप किससे प्रिपेयर करते हो? मैंने अभी तक उस चीज़ का प्राइस प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मैंने अपना कलेक्शन अभी तक बेचा नहीं है। मैंने लिया है तो मेरे को रीजनेबल रेट में ही सब चीज़ें मिली हैं, न कि ओवर एक्सपेंसेस खर्चा करके लिया लेना पड़ा। और आप एग्जीबिशन अटेंड करते हो? मैं मुंबई कॉइन सोसाइटी का खुद फाउंडर मेम्बर हूँ, प्लस मेरा कलेक्शन मैं हमेशा डिस्प्ले करता था। मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने इस बार अपना कलेक्शन डिस्प्ले किया नहीं, नहीं तो ब्रिटिश इंडिया के नोटों का कलेक्शन यहाँ पे मेरा ही डिस्प्ले होता था। थैंक यू वेरी मच।